श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की श्रीप्राणनाथ प्यारे की जय सुयो ही यो न झलेसो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अक्षराती धामधनी किस प्रकार से सुख प्रदान करते हैं परम धाम में उन सुखों को स्मरण करके कह रहे हैं कि ये उन सारे सुखों को आपने याद दिलाई दिलाया फिर भी हम याद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हृदय में धारण नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से कह अरस में डीना तो गालिन तो अब ये ऊपर भी जय सुख तो ही जा अंकी ये था आपकी आंखों के तो इसमें तो अरस में आपके धाम में तो उसको ना अब ये जो चौपाइयाँ हैं तो उसमें शब्द आगे पीछे होंगे तो उन सबको मिला करके बनाया होता है श्लोक में भी अनु उस और उसको अर्थ करते हुए मिलाते हैं तो उसको अन्वय बोलते हैं तो एक एक कौन सा आगे है अलग अलग भाषाओं की अलग अलग विशेषता होती है जैसे संस्कृत भाषा है तो उसमें करता बाद में भी रख सकते हैं बीच में भी रख सकते हैं तो ऐसे कोई भी वाक्य बनता है तो करता कर्म और क्रिया ऐसे होती है हिंदी में जैसे हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, हैं। तो हम कर्ता हो गए तो प्रशिक्षण कर्म हो गया और ले रहे हैं तो क्रिया हो गई तो हिंदी में इस प्रकार से होता है और हिंदी की भी जब चौपाई बनती है अथवा तो श्लोक बनता है तो उसमें ये थोड़े से आगे पीछे होता है तो संस्कृत में क्या है कि संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है तो उसको कर्ता को आप अंतिम में भी रख सकते हैं बीच में भी रख सकते हैं कहीं भी रखेंगे तो भी वो भाषा सही होगी वो परिस्थिति को देख करके हम क्या भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं किस चीज़ में हम भार देना चाह रहे हैं उस पर निर्भर करता है अब यहाँ पर ये सिंधी है तो ये भी चौपाई है श्लोकी है तो इसलिए इनमें जो उसमें हिंदी के हिसाब से अर्थ बनाना हो ना तो हमें ये करना पड़ेगा जो दुस, ये दूसरे चरण में ना तो गालिन है ना तो गालिन तो गालिन का मतलब आपके तो गालिन आपके वचन बात गालिन मतलब बात आपके बचनों से तो आपने अपने वचनों से तो गालिन तो के बोलेंगे तो आप तो आप होगा तो के आपको तो इस अर्थ में तो गालिन आपके बचनों के तो ये जे जे सुख अब ये आगे से वो कर लो तो ये जे जे सुख आपके बचनों के तो ये जे जे स, आपके बचनों के जो सुख है तो अरस में परम धाम में अब ये ऐसा होगा उसमें तो गालिन की जगह पर तो डिन्ना उसमें वहाँ रखना पड़ेगा तो तो ही जे गालिन जे सुख अरस में तो डिन्ना आपके बचनों के जो सुख आपने परम धाम में हमें प्रदान किए हैं जे सुख तो जे अरस में जो सुख तो जे अरस में आपके धाम में तो अब ये आपके क्या तो, तो कौन से सुख हैं तो गालिन सुख बातों के वचनों से आपने अपने गाल गाल बोलते हैं बात को तो गालिन तो ये बातों बातें तो आपने अपने बातों के अपने मीठी मधुर वाणी मधुर वचन उनके जो सुख हम हमें परम धाम में प्रदान किए हैं तो अरस में डिन्ना लव दिया तो दिए हैं से सब तो वो सबको विसरी वियम हम भूल गए से सब विशरी वियम उन सबको तो हम भूल गए तो क्यों भूल गए सूजे ही अड़े न चढ़िन तो हमारे सूजे का अर्थ होता है शून्य शून्य ही अड़े हृदय न चढ़े नहीं चढ़े तो शून्य हृदय में हमारे शून्य हृदय में ये सारी बातें अंकित नहीं हो पाई हम याद ही नहीं कर पाए सारे के सारे हम भूल गए आपने इतनी मीठी मीठी बातें बताई हमें सचेत किया दुनिया को तुम देखोगे तुम भूल जाओगे सब कुछ आपने समझा दिया किंतु जैसे ही दुनिया देखने लग गए हम आपकी सारी की सारी बातें भूल गए हमने अपने सुनने सुन्य हृदय में कुछ रखा ही नहीं हम रख ही नहीं पाए हमारे हृदय में चढ़े ही नहीं इस तरह से कह रहे हैं तो आपने जो जो कहा तो हमने भी तो कुछ उत्तर दिया होगा वो बात दूसरे में कहते हैं के कौन सा उत्तर मु मैंने के या मतलब कहा दिया हमने कौन से उत्तर दिए के तो के या के तो के या तो के, के या तो आपने के के या मतलब क्या कहा कांद बोलते हैं परमात्मा को धनी को हे धनी आपने क्या कहा और हमने उसका क्या उत्तर दिया शेष सुजे ही न संभरे वो सारी बातें से का तात्पर्य हुए सुजे ही है शून्य हृदय में ना संभरे याद नहीं रहे तो शून्य हृदय में कुछ भी हमारा हृदय इतना खाली हो गया कि ये सारी बातें हमारे हृदय में तो कुछ है ही नहीं विशर्या मैं राद।, राद बोलते हैं पहले भी आया था तो ये खेल राध मय कहेंगे तो खेल के बीच में खेल में विसरिया ऐसा भूल गए विसरिया हम भूल गए मय राध इस खेल में तो आपने जो अब परमधाम में आपने जो कुछ कहा हमने जो कुछ सुना और उसका उत्तर दिया वो सारी बातें अब हमारे हृदय में कुछ भी नहीं है हम तो इस खेल में आकर के सब कुछ भूल गए इस तरह से बोल रहे हैं प्रार्थना ये भी ऐसे प्रार्थना के वचन है हाँ कहा ऐसा कहा ना तो हे धाम धनी आपने क्या कहा हमने क्या उत्तर दिया कोई भी बात अभी याद नहीं है माया में आकर के हम इतने ज्यादा भूल गए हैं तो ये समझाना चाह रहे हैं ये चढ़ाइए तू तो सब सुख ही झल्ले ये चढ़ाइए तो तू का अर्थ होता है आप आपके लिए तू का अर्थ जो कहीं तो के ऐसा बोला होगा तो ऐसा बोला होगा तो या तू ये सारी चीजें वो आपके लिए इस आप अर्थ में है तू ये चढ़ाइए तो आपने हृदय में जितना चढ़ाया अथवा तो आप जितना चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए चढ़ाई का मतलब आप चढ़ाइए कीजिए आप जितना आप हमारे हृदय में चढ़ाना चाहें तो सब सुख ही झल ले सब त का अर्थ होता है वे सब सुख सभी सुख अथवा त का अर्थ तो भी होता है तो यदि आप वो, वो, वो पहले वाले पहले वाले चरण का ये अर्थ करें यदि आप हमारे हृदय में कुछ अंकित करना चाहते हैं वो सुख तो तो सब सुख ही झल्ले वो, वो सारे सुख ही हमारा हृदय झल्ले धारण करेगा तो वो झल्ले झीलना बोलते हैं ना झीलो बोलते हैं ना तो धारण करना और फिर बताना दोबारा दोहराना तो झल्ले मतलब किसी भी चीज़ को वो पकड़ो पकड़ो इस अर्थ में तो झल्ले ऐसे बोलते हैं तो वो सब हमारा हृदय आप यदि हमारे दिल हृदय में कुछ बात डालना चाहते हैं तो हमारा हृदय धारण करेगा तो अभी आप चा, डालना चाहेंगे तो ही धारण करेगा हमारे बस में तो नहीं है तो हम तो सब कुछ भूल करके बैठे हैं यदि आप डलवा देते हैं कुछ याद दिला देते हैं तो अब हम याद करेंगे ऐसा जे सुख दिए मेहर करे जे सुख दिए तो जो सुख दिए डीए का अर्थ होता है तो यदि आप देते हैं तो उस अर्थ में डीए देते हैं मेहर करे तो मेहर करे कृपा करके यदि आप हमें सुख देना चाहते हैं तो तब बेयो केर पल्ले ता का अर्थ तो तो ये होगा तो बेयो केर पल्ले बेयो दूसरा केर पल्ले तो केर का अर्थ होता है कौन और पल्ले का अर्थ होता है पकड़े मतलब यदि आप कृपा करके हमें कुछ सुख देना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता है तो आप तो सर्वे सर्वा है आप देंगे तो हम प्राप्त करेंगे तो ये कह रहे हैं तो अब परमधाम में तो ब्रह्मात्माओं ने क्या कहा था तो प्रेम तो हमारा ही ज्यादा है तो जब सब कुछ भूल गए तो ब्रह्मागत शरण ब्रह्मात्मा शरणागत होती है तो कहती है कि अब तो हम सब कुछ भूल गए आपने क्या कहा था हमने आपको क्या उत्तर दिया ये भी भूल गए अब आप यदि कृपा करके हमें कुछ याद दिलाएंगे तो हमारे हृदय अभी भी हमें विश्वास है कि कुछ धारण करेगा तो आप यदि दे, देना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है तो आप देना चाहें तो सब कर सकते कर हैं आप सर्वे सर्वा हैं तो ये कहना चाह रहे हैं तो तरसाए तरसना, तो के पश नाइना तो अब देखो तो तरसाए तर्षण तो तरसाए आप आप यदि हमें तरसाते हैं व्याकुल करते हैं तरसाए व्याकुल करते हैं तो इस अर्थ में तो तरसाए तरस हम व्याकुल होंगे तो किसके लिए व्याकुल होंगे तो के नयन तो के पशन आपको देखने के लिए तो क्या चीज व्याकुल होंगे नयन नेत्र तो अब यह समझना पड़ेगा तो तरसाए आपके तरसाने पर तो के पशन आपको देखने के लिए आपके दर्शन के लिए नैन तरसाण तरसती हैं आपके तरसाने पर ही आप व्याकुल कर रहे हैं तो ही आपके दर्शन की इच्छा हो रही है हमें स्वयं तो आपके दर्शन की इच्छा ही नहीं हो रही है तो आपके दर्शन की इच्छा है वो भी आप करवा रहे हैं तो ही है तो ये कहना चाह रहे हैं तो आपने व्याकुल किया तो हमारे नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं कोड़ थिए कन के तो सुणन मिठड़ा बेणा अब कोड़, कोड़ कोड़ का अर्थ होता है प्रेम चाहना उत्साह खुशी हर्ष लाड़ कोड़ बोलते हैं ना तो उस तरह से कोड़ थी कानन के थी मतलब होता है कानन के कानों कानों को कानों को खुशी होती है तो कब खुशी होती है तोईजा सुनाना मिठड़ा बेड़ा तो मिठड़ा बेड़ा सुनना आपके मीठे वचनों को सुनने में कान को बड़ी खुशी होती है कान इतने आपके वो वचन सुनने के लिए लालयित हैं अब क्या बताएं तो ऐसा कहना चाह रहे हैं किंतु ये सब आप चाह रहे तो ही हो रहा है तो वैसे तो होने वाला नहीं है तो तरसाएं तर्षण हियड़ो मिडन के अभी इसमें भी इस तरह से हाँ तो तरसाए तर्षण आप व्याकुल बनाते हैं तो तर्षण व्याकुल होते हैं तो क्या व्याकुल होता है हियड़ो हमारा दिल किस लिए मिडन के मिलने के लिए मिडन के अर्थ होता है मिलने के लिए तो इसका अर्थ इस तरह से करना पड़ेगा तो तरसाए हियड़ो मिडन के तरसाण तो तरसाए आपके व्याकुल बनाने पर ही हियड़ो हृदय ये हमारा हृदय हाँ मिडन के तर्षण आपके आपको मिलने के लिए तरसता है आपके मिलन के लिए हृदय तरसता है वो भी आपके तरसाने पर ही तरसता है तड़पता है तरसना तड़पना व्याकुल होना एक ही बात है ये दिनो अच्छे मासू का जो अब ये जो एक अर्थ तो यह है दिनो मतलब दिया अच्छे आता है माशुक जो, माशुक का जो मासू का प्रियतम धनी का दिया हुआ ही मासु जो डिनो ए अच्छे आपका दिया हुआ ये सुख अथवा ये प्रेम तो वो आ, वो आपका दिया हुआ ही हमें मिलता है आप जो देंगे अब वो तो आ, वो प्रेम को ही समझाना चाह रहे हैं ना तो इसलिए आपका दिया दिया हुआ प्रेम ही हमें मिलता है तो ऐसा कह रहे हैं मासुक जो डिनो ये अच्छे तो प्रियतम धनी का दिया हुआ यह प्रेम अच्छे हमें प्राप्त होता है हमें मिलता है हम तक आता है आप देंगे तो हमें मिलेगा हम तक आए ये आ, आ पाएगा इश्क अरस में जे परम धाम में इश्क प्रेम पर अरस में जे परम धाम में जो जो परम धाम में प्रेम है जे इसका जो प्रेम अरस में परम धाम में है ए वह माशुक जो अच्छे दिनो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के देने पर ही हमें ये प्रियतम धनी आपके देने पर ही हमें प्राप्त होता है आप देंगे तो हम तक पहुंचेगा नहीं तो नहीं पहुंचेगा बिहारे बट ओडड़ी मथे डिनो परड़े है तो अब देखो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं आपने हमें हमारे अपने पा, पास में अति निकट बैठा करके अपने चरणों में बैठा करके हमें ये परदेश दिया ये कहना चाह रहे हैं बिहारे का अर्थ होता है बैठा कर बट ओडड़ी बट ओडड़ी का अर्थ होता है निकट अति निकट इसके लिए बट ओडड़ी अपने पास में ही हमारे पास हमें आपने अपने पास में ही बैठाया और मथे डिनो पर और ऊपर से मथे मतलब सिर होता है मत्था किंतु ऊपर से ये एक तो एक, एक तो आपने हमें पास में बैठाया और दूसरा तो आपने हमें परदेश भेज दिया तो हमारी सुरता को दुनिया में भेज दिया ऐसा डिसा न सुनिया गालड़ी की करिया चुआ के के है। डीशा दिशा, दिशा मतलब दिखती नहीं है डिशा न सुनिया गालड़ी दिशा न तो कुछ दिखता है दिशा न कुछ दिखता भी नहीं है और फिर न इधर दूसरे अर्थ में भी न लगाना पड़ेगा न गालड़ी सुनिया न तो आपके दर्शन हो रहे हैं न गालड़ी का अर्थ होता है वचन सुनिया सुनाई देते हैं न तो आपके दर्शन होते हैं और न ही वचन सुनाई देते हैं तो अब ऐसे में क्या करें की करिया चुआ के, के है की करिया क्या करें अब तो के के है चुआ तो किस किस को क्या क्या कहें तो के के है मतलब किस किस को चुआ कहें अब हम किसको मैं अब कि, किसको कहूं तो क्या करूं और किसको कहूं तो ये अब ना तो आपके दर्शन हो रहे हैं और नहीं आपकी बात सुनाई दे रही है आपने तो हमें एक और तो पास में ही बैठाया नजीक में बैठने के लिए बोला चलो मूल मिलाव में बैठते हैं और वहाँ पर तुम्हें दिखाएंगे बोल करके आप अपने चरणों में लेकर के बैठाए लेकर के आए और वहाँ बैठाया और वहाँ से इतना दूर भेज दिया तो न तो आपके दर्शन हो रहे हैं और न आपके आप, आपके वचन सुन रहे हैं अब ऐसे में हम क्या करें और किसको कहें तो आपके सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं ये कहना चाह रहे अब हैं अब यही रखते हैं श्री कृष्ण लाल की करो चुआ के के ह

चुमा के के हम